महान स्वतंत्रता सेनानी बिपिन चंद्र पाल। हमारे देश की आजादी में गर्म दल के लाल पाल बाल की मशहूर तिगड़ी की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती रही है। इस मशहूर तिगड़ी में लाल थे लाला लाजपत राय, बाल थे बाल गंगाधर तिलक और बाल थे बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल एक राष्ट्रवादी दिव्य दृष्ट नेता होने के साथ साथ क्रांतिकारी, समाज सुधारक, शिक्षक, निर्भीक पत्रकार, उच्च कोटि के लेखक व कुशल वक्ता माने जाते रहे हैं। बिपिन चंद्र पाल जी ने अपना संपूर्ण जीवन माँ भारती की सेवा में ही समर्पित कर दिया था। बिपिन चंद्र पाल जी का जन्म 7 नवंबर 1898 को अविभाजित भारत में हबीबगंज जिले के पोइल ग्राम में हुआ। उनके पिताजी का नाम रामचंद्र पाल था जो फारसी के विद्वान थे और माताजी का नाम नारायणी देवी था। अपनी छोटी ही उम्र में बिपिन चंद्र पाल ब्रह्म समाज के सदस्य बन गए। बचपन से ही वे जातिगत भेदभाव का विरोध किया करते थे। उनका विरोध केवल शब्दों तक ही सीमित नहीं था अपितु उनके आचरण में भी इसका विरोध दिखाई दिया करता था। उन्होंने एक विधवा स्त्री से विवाह किया। हालांकि उनके परिवार ने इसका विरोध किया, अपितु अपने विचारों को मान दिलाने की खातिर उन्होंने अपने परिवार का भी त्याग कर दिया। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए बिपिन चंद्र पाल जी ने विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, परंतु अपनी निजी कारणों से वह शिक्षा पूर्ण न कर सके। 1869 में वे एक शिक्षक के रूप में स्कूल में पढ़ाने का कार्य करने लगे। जल्दी ही वे कलकत्ता के सार्वजनिक पुस्तकालय में लाइब्रेरियन के रूप में भी कार्य करने लगे। वहीं उनकी मुलाकात विश्वनाथ शास्त्री, SN बैनर्जी और BK गोस्वामी जैसे दिग्गज नेताओं से हुई। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष के विचारों से वे बहुत अधिक प्रेरित थे। बिपिन चंद्र पाल जी स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख शिल्पकार माने जाते हैं। देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वदेशी और स्वराज की सरल परिभाषा जनता को उन्होंने ही दी। स्वतंत्रता का रास्ता उनके द्वारा ही तैयार किया गया। 1905 में बंगाल विभाजन का उन्होंने जमकर विरोध किया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं का पूरी तरह से बहिष्कार किया। उन्होंने भारतीयों द्वारा विदेशी वस्तुओं की होली जलवाई और कई व्यवसायिक संस्थाओं पर हड़तालें करवाई, जिसके कारण अंग्रेजों की नींद ही उड़ गई। बिपिन चंद्र पाल जी ने लोगों के बीच एकता की भावना का विकास किया। उन्होंने 1907 में अपनी पत्रिका वंदे मातरम से अंग्रेज विरोधी जनमत तैयार किया, जिसके चलते अंग्रेजों ने भी भारतीयों के खिलाफ दमन की नीति अपनाई और उन्हें राजद्रोह का आरोप लगाकर जेल में डाल दिया। 1908 में स्वराज नामक पत्रिका स्थापित कर उन्होंने लोगों तक अपने विचारों को पहुँचाने का कार्य प्रारंभ किया। बिपिन चंद्र पाल एक कुशल लेखक और संपादक थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण रचनाएं रची। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: इंडियन नेशनलिज्म, नेशनैलिटी एंड एम्पायर, स्वराज एंड द प्रेजेंट सिचुएशन, द बेसिस ऑफ रिफॉर्म, द सोल ऑफ इंडिया, द न्यू स्पिरिट, स्टडीज इन हिंदुइज्म, क्वीन विक्टोरिया बायोग्राफी। जीवन भर भारत के लिए संघर्ष करने वाले स्वतंत्रता सेनानी, देश की जंग के महान नायक, देश की आजादी का स्वप्न मन में लिए 20 मई 1932 को कलकत्ता में स्वर्ग सिधार गए और हमेशा के लिए चिर निंद्रा में सो गए। भारत ने एक कुशल देशभक्त को खो दिया। आज भी बिपिन चंद्र पाल जी का नाम भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से सुसज्जित